नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि योगी मोदी ने कैसे अयोध्या के लिए तैयार किया मास्टर प्लान। दुनिया में ईसाई धर्म के 230 करोड़ अनुयायी हैं और उनका सबसे बड़ा धार्मिक स्थल वेटिकन में मौजूद सेंट पीटर बेसिलिका है। इसका परिसर करीब 108 एकड़ में है। इसी तरह सऊदी अरब के मक्का में मुसलमानों का सबसे बड़ा पवित्र धर्म स्थल है। इस धर्म को विश्व में 180 करोड़ लोग मानते हैं। इसी तरह अब इंतजार है राम मंदिर के निर्माण का। आपको बता दें कि दुनिया में करीब 110 करोड़ लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और अब इनकी इच्छा है कि बाकी धर्मों की तरह इनके लिए भी एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। रावण का वध करने के बाद उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनसे कहा था कि लंका बहुत सुंदर जगह है और हमें यहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन तब राम ने उन्हें कहा था कि पराई धरती कितनी भी सुंदर हो, वो जन्मभूमि से बढ़कर नहीं हो सकती। भगवान राम ने कहा था कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अयोध्या अब हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के नाम जमीन के हक पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं, लेकिन वो तब तक अधूरा है जब तक भव्य राम मंदिर अस्तित्व में नहीं आ जाता। साधु संत कह रहे हैं कि जब भव्य मंदिर बनेगा तब बनेगा, फिलहाल रामलला को तंबू से आजादी दिलाई जाए। अयोध्या में राम मंदिर को हकीकत बनने की हसरत अब इंतजार करने को तैयार है, लेकिन यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की भी अपनी तैयारी है। अयोध्या को अद्भुत बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। मोदी योगी के नए अयोध्या में सब कुछ होगा। दरअसल 26 नवंबर को वाराणसी में संस्कृति, पर्यटन और अन्य विभागों के अधिकारियों ने पीडब्ल्यूसी के ब्लूप्रिंट का प्रेजेंटेशन संघ के बड़े नेताओं के सामने दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बंद दरवाजे के अंदर 3 घंटे इसको लेकर बैठक हुई। हालांकि मीटिंग बुलाई तो गई थी काशी के विकास पर चर्चा के लिए, लेकिन मुख्य मुद्दा अयोध्या ही था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मीटिंग में उपस्थित थे और सभी अयोध्या को अलौकिक धार्मिक स्थल बनाने को लेकर एकमत थे। तो आइए जानते हैं कैसी होगी मोदी योगी के सपनों की अयोध्या। नए अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा, 5-स्टार होटल और रिजॉर्ट होगा, सरयू में क्रूज का भी निर्माण किया जाएगा। तो योगी सरकार अयोध्या की काया पलट करने को कमर कस चुकी है। अयोध्या को आधुनिक बनाने का खाका भी खींचा जा चुका है। अयोध्या को अलौकिक बनाने का क्या है मास्टर प्लान, इस पर भी जरा गौर कर लीजिए। अयोध्या से फैजाबाद के बीच 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनेगा। अयोध्या में 10 अत्याधुनिक रिजॉर्ट और 5-स्टार होटल होंगे। अयोध्या में गौशाला, धर्मशाला और वैदिक संस्थान बनेंगे। रामनगरी अयोध्या में 10 श्रीराम द्वार बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए 10,000 रैन बसेरा बनाए जाएंगे। भगवान राम से जुड़े सभी तालाबों का जीर्णोद्धार होगा। कहा यह भी जा रहा है कि अयोध्या में रेलवे स्टेशन को बड़ा किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अयोध्या के विकास की संभावना को खुला आसमान दे दिया है। योगी मोदी सरकार अयोध्या को नंबर 1 तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी में है। इसके लिए अयोध्या का सबसे बड़े धार्मिक नगरी के रूप में विकास होगा। अयोध्या तीर्थ डेवलपमेंट बोर्ड का जल्द ही गठन होगा। 13 किलोमीटर लंबा श्रीराम कॉरिडोर बनाने का भी प्लान है। इसके अलावा मंदिर के आसपास के घरों की भी रूपरेखा में बदलाव कर उसे सजाया और संवारे जाने की भी खबर है। साथ ही अयोध्या से जनकपुर के लिए सीधी बस सर्विस शुरू होगी। 3,000 से ज्यादा शहर बस सेवा से अयोध्या से सीधे जुड़ेंगे। नई अयोध्या के प्लान में घने जंगलों के बीच में ऋषि मुनियों और साधकों के लिए सरयू किनारे आश्रम बनाने की योजना है। ये शहर पूरी तरह से वैदिक संस्कृति से भरा होगा। मूल रूप से वाल्मीकि रामायण में दिए गए घने जंगलों की तरह ही इनके अरण्य विकसित किए जाएंगे। दंडकारण्य, विंध्यारण्य, वेदारण्यम और धमारण्य इन अरण्यों के नाम होंगे, जबकि पंपा और नारायणा नाम की 2 झील और सरोवर होंगे। इसके अलावा अयोध्या के गुप्तार घाट से ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे तक सरयू नदी के किनारे के पूरे क्षेत्र को इक्ष्वाकुपरी ग्रीन सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना है। सरकार ने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे इक्ष्वाकुवंश के प्रतापी राजाओं मनु, इक्ष्वाकुरुघु, हरिश्चंद्र, दिलीप, भगीरथ, आज दशरथ के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से जनमानस को परिचित कराने के लिए इक्ष्वाकुपरी योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने की संभावना है। इस योजना का प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने हुआ। भाईचारे का संदेश देगा ट्रस्ट।
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए गठित किए जाने वाला ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप भारतीयता और भाईचारे का संदेश देने वाला होगा। ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर नामचीन मुस्लिम हस्ती की तलाश शुरू हो गई है। विवादास्पद ढांचे के विध्वंस के बाद अयोध्या न जाने वाले पीएम मोदी खुद मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनने वाला ट्रस्ट सोमनाथ मंदिर निर्माण ट्रस्ट 6 सदस्य की तरह ही काम करेगा, हालांकि ये उससे काफी बड़ा होगा। गृह मंत्री या पर्यटन मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इसके सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा हो सकती है। ट्रस्ट कब बनेगा ये हमें जल्द ही पता लग जाएगा, मगर ट्रस्ट और उस ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन होगा इस पर राम जन्मभूमि न्यास ने बड़ा बयान दिया है। राम जन्मभूमि न्यास ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की निगरानी करने वाले ट्रस्ट की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करें। न्यास का मानना है कि आदित्यनाथ को गौरक्षा पीठ के महंत के तौर पर ट्रस्ट की अध्यक्षता करनी चाहिए, न कि मुख्यमंत्री के तौर पर। इससे पहले सीएम योगी भगवान श्री राम की विशालकाय मूर्ति और डिजिटल म्यूजियम निर्माण जैसी बड़ी प्रक्रिया को हरी झंडी दे चुके हैं, जिसके मुताबिक प्रस्तावित म्यूजियम में भगवान विष्णु के सभी अवतारों के विवरण सहित भारत के समस्त सनातन धर्म के विषय में आधुनिक तकनीक पर प्रदर्शन की व्यवस्था की जाएगी। ये वो अयोध्या होगी जो राम की नगरी का सही मायने में प्रतीक होगी। राम मंदिर की राह पर अगर सरकार की योजना के मुताबिक सब कुछ सही रहा तो कलयुग के मानव त्रेता युग की अवध नगरी देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।